जनसंघ के संस्थापक आरएसएस के जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 105वीं जयंती मनाई गई। पंडित जी की जन्म जयंती के अवसर पर विधायक अशोक रोहाणी द्वारा उन्हें श्रद्धा पुष्प अर्पित किए गए। इस अवसर पर कंटोनमेंट अस्पताल में फल वितरित किए गए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भाजपा के प्रेरणा स्रोत थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्व मंडल अध्यक्ष संजय ठाकुर का महत्वपूर्ण योगदान था। भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष एकात्म मानववाद के प्रणेता कुशल संगठक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज जयंती पूरे देश में बूथ स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मना रही है। उसी कड़ी में आज कैंट विधानसभा में कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में फल वितरण का कार्यक्रम और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं। आज पूरा जो विशाल वट वृक्ष भारतीय जनता पार्टी का 18 करोड़ सदस्यों के साथ पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में खड़ा हुआ है, वो उन विचारधाराओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा है। यह विशाल वट वृक्ष जिसकी छाया में हम सब अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक सेवा कार्य करते हैं, उन सेवा कार्यों को इसी तरह उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। दीनदयाल जी उपाध्याय अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती है। हेलो, 25 सितंबर भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरे देश में, टाइम लगेगा, जिले के हर मंडल में, मंडल के हर वार्ड में और वार्ड के हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी बूथ समिति के साथ पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुआ है। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जीवन बहुत कष्टमय रहा। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जनसंघ की स्थापना करने के बाद लगातार मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी को परम वैभव में पहुंचाने का कार्य किया था। जनसंघ से भाजपा का सफर पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने जनसंघ के समय नींव के स्तर पर रखा था। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज वो हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके विचार भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने अपने मन में आत्मसात करते हुए पीड़ित मानवता की सेवा को, जनमानस को लाभ पहुंचाने का कार्य करने का संकल्प लिया है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता संकल्प लेता है कि वह पीड़ित मानवता की सेवा हेतु सदैव अग्रसर रहेगा और माननीय विधायक श्री अशोक ईश्वर दाजी रोहाणी के मार्गदर्शन में एवं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए लगातार जनमानस की सेवा में तत्पर रहेगा। बोलिए भारत माता की। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।